वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू माई डियर स्टूडेंट्स. हियर आई हैव कम अप विथ अनदर ग्रामर वेस्ट टेस्ट नंबर 5. द क्वेश्चन इज चेंज इन टू फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में कैसे चेंज करेंगे आज मैं आपको सिखाऊंगा और चीज़ों को एक्सप्लेन भी करूंगा. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी. फर्स्ट क्वेश्चन इज यू स्पीक टू लैंग्वेजेस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, हमें इसे चेंज करना है सिंपल फ्यूचर में. ठीक है ना, तो सिंपल फ्यूचर में स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग ध्यान जरा करेंगे. सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. तो आंसर हो जाएगा यू विल स्पीक टू लैंग्वेजेस. ठीक है ना, यू विल स्पीक टू लैंग्वेजेस इज द राइट आंसर. ओके, चलिए ओवर टू क्वेश्चन नंबर 2. दे डिड नॉट टेल अ लाई. दे डिड नॉट टेल अ लाई इज ए नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. इसको यानी कि हमें चेंज करना है सिंपल फ्यूचर के नेगेटिव में. तो सिंपल फ्यूचर के नेगेटिव में जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. तो इसका आंसर बन जाएगा दे विल नॉट टेल अ लाई. ओके, चलिए ओवर टू क्वेश्चन नंबर 3. ही वाज सॉल्विंग द सम. ही वाज सॉल्विंग द सम इज ए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को जो हम चेंज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में तो हम लोग शैल वी और विल वी का प्रयोग करेंगे, साथ में वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी फॉर्म तो लगेगा ही, है ना. सो द आंसर विल बी ही विल बी सॉल्विंग द सम. ओके, ही विल बी सॉल्विंग द सम, राइट ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन. दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन इज ए सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को वाक्य को हम चेंज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, राइट ना. तो यहाँ पे शैल वी विल वी का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, है ना. तो द आंसर विल बी दे विल बी आस्किंग अ क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी. चलिए ओवर टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं. वी हैव डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस. सो दिस इज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चूंकि हैव लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है. इसको हमें चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. तो इसमें हम लोग शैल विल का प्रयोग करते हुए हम लोग हैव लगाएंगे, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म में भी चेंज करेंगे. ठीक है बच्चों, तो लेट अस चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो आंसर हो जाएगा वी शैल हैव डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस. वी शैल हैव डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी. ठीक है, नंबर 6 क्वेश्चन देखते हैं. मिस्टर मॉरिसन हैड मेड अ हाउस फॉर द पुअर पीपल. मिस्टर मॉरिसन हैड मेड अ हाउस फॉर द पुअर पीपल. सो दिस इज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यहाँ आप देख सकते हैं. इसको अगेन हमें चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए शैल विल के साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. तो आंसर हो जाएगा मिस्टर मॉरिसन विल हैव मेड अ हाउस फॉर द पुअर पीपल, राइट. ठीक है बच्चों, तो नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन, ही हैड बीन टीचिंग म्यूजिक. ही हैड बीन टीचिंग म्यूजिक इज ए सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्योंकि हैड बीन लगा हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है, राइट ना. इसको चेंज करेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तो यहाँ पे विल हैव बीन शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, ही विल हैव बीन टीचिंग म्यूजिक. ही विल हैव बीन टीचिंग म्यूजिक, राइट. सो दिस इज द आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट नंबर है उसको देखते हैं. डज सी गो फॉर ए वॉक. सो दिस इज इंट्रोगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव है, यानी कि हमें सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव चेंज करना है. तो शैल विल लगा लेंगे सब्जेक्ट से पहले. तो विल सी गो फॉर अ वॉक. विल सी गो फॉर अ वॉक विल बी द आंसर. एंड आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे एंड चीज़ों को जो मैंने एक्सप्लेन किया आपने उससे सीखा भी होगा. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.